हाउ टू ज्वाइन डोमेन एन विंडोज 8.1। तो सबसे पहले हम आईपी पिंग करेंगे। आईपी पिंग हमारा हो गया है विंडो आर सी एम डी पिंग स्पेस 10.0.0.5 हमारे सर्वर का आईपी है आईपी। पिंग कंटिन्यू आ रहा है हमारा। पिंग आने के बाद हम रिपोर्ट चलते हैं यूजर माई कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज में। ओके, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में आने के बाद हमको जाना है, ये चेंज सेटिंग दिख रहा है हमको, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज पे जाना है। चेंज पे जाने के बाद मेरा कंप्यूटर का नाम है पिंग मी और हमको डोमेन ज्वाइन कराना है। तो डोमेन हमारा ये है, तो डोमेन का नाम क्या है, माई लैब डॉट कॉम, ये हमारे डोमेन का नेम है। आपको दिखा देते हैं एक बार, mylab.com। ओके, तो हमको mylab.com डालना है। ओके, इंटरप्राइज़ डोमेन कंट्रोलर मेविकॉन नॉट बी कनेक्टेड तो है, ओके mylab अकेला डालते हैं। ओके, माई लैब से आ रहा है, डॉट कॉम नहीं लगाना है आपको, स्टार्टिंग का नेम लगाना है। तो यहाँ पे हमें डोमेन का जो पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का वो डालना पड़ेगा। अभी तो वही एडमिन यूजर है तो मैं उसी का डालता हूँ। DMINISTRTOR पासवर्ड देंगे और ये रिस्टार्ट होगा, करेंगे तो ये रिस्टार्ट के लिए पूछेगा, तो हमको रिस्टार्ट करना है। यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंज। ओके, क्लोज, रिस्टार्ट ना, जब तक ये रिस्टार्ट होता है हम देखो, ये ऑटोमेटिक उसका कंसोल चला गया। हम अपने वीडियोस को पॉज करते हैं फिर आते हैं वापस, जब तक रिस्टार्ट होती है मशीन हमारी। तो गाइस हमारी मशीन रिस्टार्ट हो चुकी है। एक बार हम फिर से एम एस टेस्ट लेते हैं 3 का। डोंट टास्क, ओके, ये देखो ये लॉगिन हो गया है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि हमने इसके अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया हुआ है। ये देखो अभी डोमेन की जगह mylab.com आने लगा है, ये हमारा डोमेन नेम है। यहाँ पे भी देखो माय कंप्यूटर नेम pingme.mylab.com आ रहा है। ओके गाइस, तो